हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो अभी ना एक चीज़ आपको दिखाएं, ये ना मेहंदी वाले ना ये जो स्टिकर होते हैं ना, ये हमने लिए थे ना, और ये ना हमने लगाई भी है मेहंदी। तो ये हमें नहीं लगता है कि अच्छी है, मैंने अपना हाथ भी बेकार कर लिया, मेहंदी भी नहीं लगवा सकते क्योंकि ये इतना पूरा हाथ बेकार ही गया है। क्योंकि अभी ये ना हल्का है, थोड़ा चढ़ भी जाएगा, चढ़ जाएगा ना तब आपको दिखाएंगे, लेकिन हमें ना अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए फिर, अब लगा ही लिया है तो क्या करें, अब इसी से हम जो है और भी लगाएंगे, लेकिन इसको ना धुलना पड़ेगा। या फिर आपके पास ना बहुत सारे हों तो फिर आप हाथों में जो है उनको चिपका लीजिए फिर लगा लीजिए। तो हम ना सिर्फ दो ही लाए थे, मतलब पहली बार हमने लिया, हमने कहा चलो देखते हैं कैसे होते हैं, लेकिन बहुत बेकार है यार, लगा भी लिया। पहले ना हम लगाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर हमने कहा चलो लगा कर देखते हैं। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर शाम को हम फिर लगवाने चले गए थे, क्योंकि हमने ना स्टिकर से नहीं लगाई थी, हमें ना मतलब अच्छी नहीं लग रही थी ज़्यादा, तो हमने कहा चलो लगवा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मेहंदी लगवा कर हम घर आ गए थे, तो ये लग गई प्यारी प्यारी हमारी मेहंदी। हमने कहा चलो लगवा लेते हैं, और जो वो थी ना उसके ऊपर ही हमने जो है लगवा लिया था। तो आप देख सकते हो ये ना, मतलब अच्छा तो होता है, लेकिन क्या होता है ना, अगर आपके पास बहुत सारे हो, हमें पता नहीं था ना, तो हम दो ही लाए थे। तो अभी ना शाम हो चुकी है, और ये ना हमने मेहंदी जो है लगवा ली थी बाद में, तो ये ना चढ़ भी गई तो शाम को लगाया थी, लगवा आए थे यहाँ पर, ये जो पुरानी मेहंदी रखी हुई है। तो ये रही हमारी मेहंदी, कैसी लगी आप लोग बताना। तो अभी ना हम पूजा की तैयारी करने जा रहे हैं, शाम के लगभग 5 बजे। तो चलिए फिर करते हैं। अभी ना ये हमने आटा पीसा हुआ है चावल का, तो इसको छानेंगे और फिर इसके बनाएंगे खरे बनाए जाते हैं। और ये जो चावल होते हैं ना, ये नए चावल होते हैं, उनके जो है बनाए जाते हैं पीस कर। इसको ना 10 मिनट के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद भी बनाएंगे, थोड़ा सा ना ये फूल जाए, क्योंकि दरदरा होता है ना पीसो अगर ऐसे। तो यहाँ पर जो चावल का आटा होता है ना, उसको जो है गोल बनाकर इस तरह से जो है चौक बनाई जाती है, तो यहाँ पर जो है गोल गोल बनाई जाती है, तो फर्श ना सफ़ेद है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। तो चलिए फिर बना लेते हैं, फिर उसके बाद में इस पर चावल डाले जाते हैं, और चावल डालकर तब जो है इस पर करवा रखा जाता है। तो अभी ना चौक जो हमने बनाई थी ना, वो हल्की सी मतलब सूख गई है, तो ना हल्का हल्का दिखाई पड़ रहा, ज़्यादा तो नहीं दिखाई पड़ रहा। फिर उसके बाद में ये रख दिया करवा। फिर यहाँ पर चूड़ा और बतासा जो इसमें भरे जाते हैं, और जो वही हमने फरे बनाए हुए थे वो इसी के अंदर जो है भरेंगे। तो चलिए फिर भर लेते हैं, फिर उसके बाद में दीपक जलाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमने आसें भी जो है इसमें भर दी, और जो सीके होती हैं ना वो लगाई थी, तो अब जो है इसको हम ढक देंगे, फिर उसके बाद में सीके लगाएंगे। Thank you.
यहाँ पर जो है पूजा की तैयारी की, फिर उसके बाद में जो है हम तैयार हो गए थे। तो अभी ना 8 बजने वाले हैं, 8 बजे जो है चांद निकल आया था, लेकिन सबके घर बने हुए हैं ना, थोड़ा देर से जो है ऊपर आया। तो अभी बस तैयार हो गए हैं, अब करेंगे पूजा। तो चलिए फिर आप लोग भी देखिए, और मेरा ना बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो बस ऐसे ही हमने जो है अपना वीडियो बना लिया था थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर पूजा की तैयारी हम करने जा रहे हैं, तो चलिए फिर आप लोग भी देखिए। तो बस यहाँ पर अब हम करने लगे हैं पूजा, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके से होती है। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पूजा की जाती है, बस उसी तरीके से जो है पूजा कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर अभी ना चांद भी निकलने वाला था, तो तब तक हमने कहा चलो पूजा कर लेते हैं, चांद निकल आएगा फिर उसके बाद में जो है चांद की पूजा कर लेंगे। तो बस यहाँ पर जो है एक दो हमने कहानियाँ पढ़ी और जो है पूजा की, फिर उसके बाद में चांद निकल आया था तो ऊपर गए पूजा करने के लिए। सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और बोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने से कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने को मना किया। फिर वह बोली बहन ने भाइयों के कावे में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले तो बस उसके बाद में यहाँ पर चांद भी निकल आया था। चांद तो निकल आया था 8 बजे, लेकिन हमारे यहाँ 8:30 बजे ऊपर दिखा, क्योंकि घर बने हैं ना तो सबके, तो इस वजह से जो है बहुत देर में दिखता है। तो यहाँ पर चांद की पूजा की, फिर उसके बाद में नीचे आ गए। पूजा तो हमारी हो गई अब पूरी। बस इस तरह से जो है करवा बदले जाते हैं, तो वो हमने बदला, बस इसके बाद में जो है हमारी पूजा हो जाती है। तो ये था हमारा करवा चौथ का ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार आए थे हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइएगा फ्रेंड। और आपके यहाँ करवा चौथ कैसे मनाया, किस तरह से मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर पूजा हमारी हो चुकी है।